फिल्म द लेजेंड ऑफ मोला जट में नूरी नाथ का किरदार अदा करने वाले हमजा अली अब्बासी ने बताया है कि मैं फिल्म में जो किरदार कर रहा हूँ वो इतना मशहूर है कि उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। इस किरदार को पहले मुस्तफ़ा कुरैशी निभा चुके हैं। उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए हमजा अली अब्बासी ने कहा कि मुस्तफ़ा कुरैशी ने इस किरदार को बेहतरीन अंदाज में निभाया। उसको दोबारा निभाना एक चैलेंज था और नाज़रीन के लिए इसे देखना एक ट्रीट होगी। हमजा अली अब्बासी का कहना था कि मुझे फिल्म में अपना हर एक सीन पसंद है और हर मंजर मेरा पसंदीदा है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई ऐसे वाकयात पेश आए जो कि यादगार हैं, लेकिन एक ऐसा वाकया है जो तब तो नहीं लेकिन अब यादगार लगता है। उन्होंने बताया कि मेरा जो गेटअप था उसके लिए दाढ़ी लगा रखी थी। लाहौर की गर्मी इतनी शदीद थी कि बाल बार बार उतर जाते थे और बार बार लगाना पड़ते थे और ये अमल खासा तकलीफ दे था, लेकिन अब ये सब कुछ दिलचस्प यादें बन चुका है। हमजा अली अब्बासी के मुताबिक उनका फवाद खान के साथ काम करने का तजुर्बा काफी यादगार था। उनका कहना था कि जिस तरह का किरदार मेरा था, मेरे सामने ऐसा ही अदाकार होना चाहिए था जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले, और फवाद खान ने जिस तरह से किरदार अदा किया यकीनन मुझे इंस्पिरेशन मिली। मैंने भी अच्छा काम करने की कोशिश की। हमजा अली अब्बासी इस फिल्म से कबल काफी अरसा मंजर आम से गायब रहे। इसकी वजह बताते हुए अदाकार का कहना था कि मैं इस दौरान जावेद अहमद गामदी से पढ़ रहा था, लेकिन अगले साल यकीनन मैं कुछ करूंगा। अपनी शरीक हयात निमल खावर के बारे में हमजा अली अब्बासी ने बताया कि मैंने उनको काम से बिल्कुल मना नहीं किया। वो हमारे बेटे मुस्तफ़ा के साथ मसरूफ हैं। वो एक जबरदस्त माँ हैं और बेटे को बहुत वक्त देती हैं, और जो वक्त बच जाता है उसमें वो अपना पेंटिंग का शौक पूरा करती हैं। बुनियादी तौर पर वो एक पेंटर हैं। उन्होंने कहा कि लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने उनको काम से मना किया है। उनकी जिंदगी ही इतनी मसरूफ है कि उनके पास वक्त ही नहीं है किसी और काम को करने के लिए। हमजा अली अब्बासी का कहना था कि मैंने फिल्म करने के लिए पंजाबी जुबान बिल्कुल नहीं सीखी। मैं तो पंजाबी बचपन से ही बोलता आ रहा हूँ। मैं घर में भी पंजाबी बोलता हूँ। हमजा ने कहा कि मेरी वालदा पंजाबी हैं और वालिद मरी से हैं, लिहाजा मैं आज भी अम्मी के साथ पंजाबी बोलता हूँ, इसलिए मुझे पंजाबी बोलने और समझने में बिल्कुल मसला नहीं होता। फवाद खान ने फिल्म में बहुत अच्छी पंजाबी बोली है, हालांकि उन्हें पंजाबी बोलना नहीं आती थी। उमायमा मलिक ने भी बहुत अच्छी पंजाबी बोली। माहिरा खान की मैं इसलिए तारीफ करूंगा क्योंकि उनको पंजाबी बिल्कुल बोलना नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने सीख कर कमाल की पंजाबी बोली। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।